नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम संख्या पद्धति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक निकालना। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि जो इकाई अंक निकालने का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है, चौथा टाइप है और अन्य टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे आने वाले जो नियम हैं उसको जानकर हम समझकर उस उन सभी का आंसर बहुत ही कम समय में और जो हम लिखे हैं यहाँ पर 3 सेकंड के अंदर, तो निश्चित रूप से आप 3 सेकंड के अंदर ही दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं कहूँ कि 1000 का जो घात में है 134 में इकाई का अंक कितना होगा, तो आप बता पाएंगे, इसको देखते ही बता पाएंगे कि इसका जो इकाई अंक होगा 0, और इसमें दूसरा में देखेंगे तो इसका इकाई अंक होगा 1, और इसमें इसका इकाई अंक होगा 5, और इसमें देखेंगे तो इसका इकाई अंक होगा 6, और इसमें दोस्तों 449 की घात 334 में इकाई अंक होगा 1। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग के सामने में बहुत ही कम समय में और कहा जाए तो 1 सेकंड के अंदर ही आंसर दे पाया हूँ, इसी प्रकार आप भी इसका आंसर दे पाएंगे और वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम आगे के नियम को समझेंगे। ये कोई ट्रिक नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक होगा। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इकाई अंक निकालने संबंधी नियम में पहला, तो संख्या के आधार में इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसका मान निकालने पर इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता। याद रखिएगा दोस्तों, यदि संख्या के जो आधार आधार वाला संख्या होता है, हम घात की बात नहीं कर रहे हैं, आधार वाली संख्या की बात कर रहे हैं, और उसके इकाई में यदि इन प्रकार के 4 संख्याएं हैं 0, 1, 5, 6, तो वो कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि इस संख्या के 320 में जो इकाई अंक है 0 और घात में इसके कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इकाई अंक भी 0 आएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, लॉजिक है। अगर आप 0 को कितने बार भी गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो लास्ट में जो डिजिट है वो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए इसका इकाई अंक 0 होगा। इसी प्रकार 1 का हम बार बार गुणा करने पर भी वह 1 ही आता है, इसलिए इकाई अंक यदि 1 है तो उसके घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इकाई अंक भी 1 होगा। और तीसरा देखेंगे तो 5 का जो यहाँ पर देखेंगे तो 5 का भी कभी भी इकाई अंक बदलता नहीं है, चाहे घात कोई भी हो, घात में कुछ भी संख्या हो उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, तो इसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। और 6 में भी अगर गुणा करके देखेंगे दोस्तों, जितना बार भी आप गुणा करेंगे 6 का, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 6 आएगा, जैसे कि 6 × 6 = 36। फिर वो अगर हम 36 में इकाई अंक देखेंगे 6, और अगर अगला हम 6 का गुणा करेंगे तो फिर से वो 6 × 6 = 36, तो इस प्रकार का वो जो है इकाई अंक नहीं बदलेगा, तो इसका इकाई अंक भी होगा 6। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पहला जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत बता डालेंगे कि इसका इकाई अंक इतना होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट जो है नियम देखेंगे दूसरा। तो दूसरा इकाई अंक ये दूसरा जो नियम है वो ये बोलता है कि संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 हो तो उनके घात में 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर हल करते हैं। दोस्तों यह जो घात जो है, बड़ी बड़ी घात होती हैं, उनको क्या करते हैं, हम 4 से पहले डिवाइड कर देते हैं और जो शेषफल आता है, और शेषफल आने पर उसको हम क्या करते हैं, इकाई अंक का नया घात समझते हैं और फिर उसके हिसाब से हम उसको हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 562 में जो उसका घात देखेंगे, पावर देखेंगे, तो वो है 1999, 1999। यदि हम इसको 4 से भाग दें तो 4 से भाग देंगे तो याद रखिएगा इसमें आ जाएगा शेषफल 3। अगर यदि दोस्तों आपको यदि 1999 में पूरे संख्या का भाग नहीं देना है, तो याद रखिएगा लास्ट 2 अंक से ही भाग देकर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा इसमें भी। 99 से भाग देंगे तो याद रखिएगा इसमें भी अगर हम भाग देंगे तो 4 यहाँ पर काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, और 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 16,
तो 4 चौक 16 होने के बाद 19 में 16 घटाएंगे तो इसका जो है शेषफल बचेगा 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर 2 है उसका नया घात बन जाएगा, तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का फिर अगर हम 2 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस प्रकार इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। तो दोस्तों इस प्रकार का हम हल करेंगे, यदि कब, जब हमारा इकाई अंक जो आधार संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो। तो यहाँ पर हम दोस्तों याद रखेंगे, स्पेशली यहाँ पर नोट के माध्यम से भी हम समझाए हैं बताए हैं कि हमें घात के पूरे संख्याओं को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 2 संख्या को ही हम 4 से डिवाइड करके शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, जो इकाई जो आधार संख्या के इकाई का नया घात बनेगा, हम उसके हिसाब से बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम पर बात करेंगे। संख्या के आधार में इकाई अंक यदि 4 और 9 हो, तो याद रखिएगा दोस्तों 4 और 9 होने पर, 4 और 9 होने पर घात को देखेंगे, यदि सम घात होगा तो वह 6 और 1 आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, यदि 4 और इकाई में 4 और 9 हो तो सम घात होने पर 4 होने पर 6 और 9 होने पर 1 आएगा, और वहीं यदि विषम घात हो तो 4 और 9 आएगा। याद रखिएगा सम घात होने पर 6 और 1 और विषम घात होने पर 4 और 9। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर 124 है और उसका घात जो है 1392 1392 जो कि इसका सम घात है, तो 124 के इकाई में 4 है, तो 4 होने पर सम घात भी है, तो 4 होने पर 6 उसका आंसर आएगा, इकाई अंक 6 बनेगा। और यहीं पर यदि हम 9 में देखेंगे, 9 वाले में सम घात, तो इसका सम घात है, तो 9 इसका इकाई अंक है, और इकाई अंक किसका निकालेंगे तो वो आएगा 1 इस नियम के अनुसार। और वहीं यदि हम दूसरे विषम घात की देखें तो यहाँ पर इकाई अंक 4 है और घात में है विषम अंक, क्योंकि इकाई में 1 है तो यह विषम होगा, तो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों इस नियम के अनुसार 4। और यदि हम 9 में देखेंगे, इकाई अंक 9 में, तो विषम घात में उसका आंसर आता है 9। और ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक है। यदि आप सोचिएगा, अगर मैं इकाई अंक 4 है तो 4 का अगर मैं वर्ग करूं, अर्थात 4 का 2 बार गुणा करूं, तो 4 चौक 16, और 16 में इकाई अंक 6 बनता है इसलिए, और सम घात है तो सम घात होने पर 6, और यही यदि अगर मैं 4 की पावर 3 करूं तो 4 चौक 16, और 16 में फिर 4 का गुणा करूं तो 16 चौक 64, तो वह 4 आ जाता है, इसलिए विषम घात होने पर वो 4 आएगा। और इसी प्रकार 9 में भी अगर 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 नहीं 81, तो सम घात होने पर 1 आया उसका इकाई अंक। और यदि हम विषम घात देखेंगे, 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो याद रखिएगा 9 नहीं 81, और 81 में भी 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, जो कि 9 ही आया, विषम घात 9 आया। तो इस प्रकार का हम लॉजिक लगा के भी हम इकाई अंक निकाल सकते हैं, और यह जितनी बड़ी घात होगी उतने पर यह काम करेगा दोस्तों। विषम और सम को ही देखना है हमें, और देखते ही हम इसका आंसर बता डालेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा नियम। किसी भी संख्या की घात में भाग देने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो इकाई के अंक इस प्रकार निर्धारित होंगे। याद रखिएगा, कभी कभी हम क्या है, घात जो है, घात में अगर हम 4 का भाग देते हैं और जो है शेषफल 0 आता है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमें सामना करना पड़ सकता है। उससे पहले हम इस नियम को अवलोकन करते हैं। तो संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 2 4 8 हो तो उसका इकाई अंक 6 बनेगा। याद रखिएगा दोस्तों, शेषफल 0 आने पर, 4 से भाग देने पर घात में शेषफल यदि 0 आता है तो याद रखिएगा, यह 2 4 8 होने पर इकाई अंक 6 होगा और 3 7 9 होने पर इकाई अंक 1 होगा। चलिए इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि इसके इकाई में है, संख्या के आधार के इकाई अंक 4 है और इसका घात में जो है 3416 है। दोस्तों यदि हम इसको 4 से भाग दें
तो इसमें निश्चित रूप से इसका जो शेषफल आएगा वो शून्य आएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा चार का भाग चला जाएगा। आप खुद भाग दे के देख लीजिएगा, 3416 में यदि हम चार का भाग देंगे या लास्ट दो डिजिट का भाग, लास्ट दो डिजिट में दो अंक में भाग देंगे चार का, तो वह 4 × 16 मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो उसका जो शेषफल है वो शून्य आएगा। तो इस स्थिति में यदि हम इसका आधार की संख्या की इकाई अंक को देखना है, तो इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 वाले में जो ऊपर का नियम फॉलो होगा, अर्थात इसका इकाई अंक 6 बनेगा, और यहीं पर 2 है तो 2 में भी 6 बनता है, और 3 में देखेंगे तो 3 वाला जो है दूसरा नियम अपनाएगा, दूसरा बी वाला, संख्या के आधार का इकाई अंक 3, 7, 9 होने पर इकाई अंक 1 होता है, तो इसमें भी 1 आएगा और 7 होने पर भी 1 आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ जो है शेषफल 4 से भाग देने पर, घात में पावर में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है तब इस नियम को अपनाना है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा जो पांचवा नियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, यदि हमें इस प्रकार का 15,729 में की घात 1,000 में, अगर यदि 2,576 की घात 270 को घटाएंगे तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो यदि इसमें जो नियम है उसको पहले जान लेते हैं। यदि घटाने में पहले वाली संख्या छोटी हो है तो उस संख्या में 10 जोड़ देते हैं, ना कि उत्तर ऋणात्मक होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसका इकाई अंक 9 है, और 9 में क्या होता है, 9 इसका इकाई अंक है और घात जो है सम है, जो कि ऊपर हम इसके नियम पढ़े हैं। यदि इकाई अंक 9 हो और घात सम हो तो उसका जो इकाई अंक बनता है वो 1 बनता है, और यदि 6 होता है, 6 आधार की संख्या 6 होता है, तो उसका परिवर्तित नहीं होता। ऊपर पहला नियम हम देखे हैं दोस्तों, जो कि पहला नियम में क्या बोला गया है, यदि इकाई अंक आधार की संख्या का इकाई अंक 6 हो तो घात में कुछ भी संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यह अपरिवर्तित रहता है, मतलब 6 ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो सेकेंड वाला जो संख्या है उसका इकाई अंक 6 होगा। अब देखेंगे दोस्तों कि 1 में अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -5, तो -5 तो उत्तर हो नहीं सकता, किसी का इकाई अंक -5 नहीं हो सकता। तो हमारे सामने में यह क्वेश्चन होता कि हम इसका आंसर या इसका इकाई अंक कैसे निकालें। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, आपको क्या करना है, पहले वाला जो इकाई अंक रहेगा, क्योंकि ये छोटा हो रहा है, तो छोटा होने पर आपको इसमें 10 जोड़ देना है, तो 10 जोड़ने पर यह 11 आ जाएगा। अब 11 में आप 6 घटा लेंगे तो 6 घटाने पर वो आ जाएगा 5, और यही दोस्तों इस संख्या का उत्तर भी होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस नियम को, इस बिंदु को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा नियम है, यदि किसी संख्या का गुणा करने में उसके मध्य में किसी भी रूप में 5 और 2 आता है, या किसी संख्या के इकाई अंक में शून्य हो, तो उस संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात इकाई अंक शून्य होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अब हम देखने वाले हैं कि जिसमें घात नहीं होता और बहुत लंबा चौड़ा क्या होता है, गुणा के रूप में रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं कि इन सभी का हम गुणा करके इकाई अंक निकालेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यह सब लॉजिक से बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको सिर्फ ये खोजना है कि इकाई अंक में हमें 2 और 5 मिल जाए या 4 और 5 मिल जाए, ताकि उनका गुणनफल एक बार शून्य हो। तो इकाई अंक में कहीं पर भी आपको शून्य अंक मिले, और यदि शून्य अंक मिलने पर कितना भी लंबा यदि गुणा हो तो उसका जो आंसर है वो इकाई अंक में शून्य ही आएगा। जैसे कि यहाँ इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 5 है, तो यदि हम 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इसके साथ हम बाकी संख्या का भी गुणा करते जाएंगे तो इसमें इकाई अंक शून्य ही होते जाएगा। यहीं पर यदि हम ये 5 और यहाँ पर 4 को भी देखेंगे तो भी हमारा 5 × 20 होगा, तो इकाई अंक शून्य ही हो रहा है। तो इसमें यदि हम देखेंगे, गुणा करेंगे, तो चाहे इसमें जितनी भी संख्या का गुणा करते जाएंगे वह उसका जो इकाई अंक है वो शून्य आते जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे दूसरा, तो यदि हम 1 से 25 तक की संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक ढूंढेंगे तो याद रखिएगा इसमें भी शून्य आएगा, क्योंकि इसमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते जाएंगे, तो हमें एक संख्या 10
और हमें 20 भी मिलेगा आगे। तो इसमें याद रखिएगा इकाई अंक शून्य आ रहा है, इसलिए इसमें जब हम इन सभी संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमें शून्य मिलेगा ही। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। तो तीसरी जो बात है, यहाँ पर हमें शून्य दिखाई दे रहा है, अब हम इसमें जितने भी संख्या का गुणा कर लें तो इसका इकाई अंक शून्य ही बनेगा। दोस्तों इनका जो गुणनफल, गुणनफल में कितनी भी बड़ी संख्या आए लेकिन इकाई अंक शून्य ही होगा। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन हमें घबराने के लिए, हमें जब हम इस चीज़ को लॉजिक नहीं लगाते हैं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डर भी जाते हैं और उसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियमों को बिल्कुल देखिएगा और अपने मस्तिष्क में बैठा के रखिएगा। आगे देखते हैं जो सातवां है, सातवां जो है दी हुई संख्याओं के इकाई अंकों की गुणा करके। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दी हुई संख्याओं का गुणा करके हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि हम 128 गुणा 297 गुणा 562 गुणा 34 में इकाई अंक क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को उठाकर 8, 7, 2 और 4 इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो है, पहले हम दो संख्या का गुणा करेंगे तो 8 7 56, फिर उससे उसका इकाई अंक 6 निकालेंगे, उससे हम फिर 6 दुनी 12, फिर 12 का इकाई अंक क्या है 2, फिर 2 से 4 का गुणा, तो 2 चौक 8। इस प्रकार हम इकाई अंक, मतलब हम जितनी भी बड़ी संख्या, जितनी भी श्रृंखला युक्त जो संख्याओं का गुणनफल रहेगा उसका हम इकाई अंक से ही गुणा करते जाएंगे और इकाई अंक हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण नियमों से हमने इकाई अंक निकालना सीखा। आगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद दोस्तों।